दोस्तों VMO मसल यानी कि वॉस्टस मीडियालिस ऑब्लिक मसल हमारी घुटने की क्वाड्रिसेप्स मसल्स में से एक है। ये मसल्स हमारे घुटने के अंदर की तरफ पाई जाती है और क्वाड्रिसेप्स की बाकी तीनों मसल्स की तरह इस मसल्स का काम भी आपके घुटने को सीधा करना और आपकी घुटने की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने का होता है। जिन लोगों के अंदर VMO मसल्स की वीकनेस पाई जाती है उन लोगों को ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या, पटेला फीमोरल सिंड्रोम या फिर लगातार नी की इंजरीज देखने को मिलती है। जिन लोगों की रिसेंट कोई लिगामेंट की या फिर रिप्लेसमेंट की सर्जरीज होती हैं उन्हें भी डॉक्टर द्वारा VMO मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की एडवाइस दी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम इस VMO मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं घर के कुछ बेसिक टूल्स के साथ में, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। दोस्तों VMO मसल्स के लिए सबसे पहली हमारी एक्सरसाइज है, इसके लिए आपको किसी बॉल की ज़रूरत होगी या फिर आप पिलो को बैंड करके या फिर मसन को भी अपने घुटने के जस्ट नीचे रख सकते हैं। उसके बाद में आपको बस अपने घुटने को सीधा करना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है और 10 टाइम्स इसे रिपीट करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। VMO हमारे नी एक्सटेंसर मसल्स होती है, यानी कि हमारे घुटने को सीधा करने का काम करती है और बाकी तीनों मसल्स के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीड करने वाली मसल्स VMO ही होती है। तो इस एक्सरसाइज को आप दिन में 2 बार रिपीट कर सकते हैं, हर बार 10 रिपीटेशन 10 सेकेंड होल्ड के साथ में आप कर सकते हैं। दोस्तों VMO को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, इसके अंदर भी आपको एक बॉल की ज़रूरत होगी और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट में आप पिलो को भी प्रेस कर सकते हैं दोनों घुटनों के बीच में रख के, और उसके बाद में जिस पैर के लिए आपको VMO स्ट्रेंथ करना है उस पैर को आपको बॉल को प्रेस करते हुए सीधा करना है, जैसा कि हमने कहा था नी एक्सटेंशन के काम में काफ़ी हेल्प करती है, और फिर वापस इसे नीचे की तरफ लेकर आना है। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, तो ये एक्सरसाइज बेसिकली वो करें जिन्हें नी का पेन रहता है। अगर कोई पोस्ट सर्जरी है तो बिना किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट किए आप प्लीज़ कोई एक्सरसाइज ना करें। इसके लिए बस आपको बॉल को अंदर की तरफ प्रेस करना है और जिस पैर की VMO को आपको स्ट्रॉन्ग करना है उस पैर को आपको सीधा करना है बॉल को प्रेस करते हुए। दिखने में बड़ी ही ईजी एक्सरसाइज है, लेकिन जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो बहुत अच्छा स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों हमारी तीसरी एक्सरसाइज है VMO के लिए, इसके लिए आपको अगेन एक बॉल को या फिर पिलो को अपने घुटनों के बीच में प्रेस करना है और दीवार पे नीचे की तरफ आते हुए और वापस ऊपर की तरफ आपको जाना है। आप अपने हाथ का सहारा भी ले सकते हैं ऊपर की तरफ जाते समय, लेकिन ध्यान रखें आपको बॉल को लगातार प्रेस करना है और उसके बाद ही आपको अपना नी का बेंडिंग और नी का एक्सटेंशन यानी घुटने को सीधा करने का मूवमेंट करना है। इस एक्सरसाइज में भी बहुत ज़्यादा फोर्स आपको देखने को मिलेगा आपकी इनर थाई, आपकी VMO मसल्स के ऊपर। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जिन लोगों को इनर थाई की वीकनेस है वो भी ये सभी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और VMO तो डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा आपका स्ट्रॉन्ग होगी। सभी एक्सरसाइज को अपने डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में ही करें, ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। दोस्तों अगली एक्सरसाइज के लिए आपको अपने किसी सीडी के ऊपर अपने अफेक्टेड लेग को, यानी जिस पैर की VMO को आपको स्ट्रॉन्ग करना है उसे आपको सीडी के ऊपर रख लेना है और दूसरे पैर को हवा में रखते हुए नीचे की तरफ घुटने को बेंड करना है और ऊपर की तरफ जाना है। ये थोड़ा सा हैवी हो सकता है ओल्ड एज लोगों के लिए, तो इसमें आप ये वेरिएशन कर सकते हैं कि आप पैर को नीचे रखें और फिर वापस ऊपर की तरफ लेकर आएँ, आपको उसमें हवा में नहीं रखना। और जिन लोगों की स्ट्रेंथ थोड़ी अच्छी है, जो स्पोर्ट्स एथलीट हैं, वो इस एक्सरसाइज को ईजिली कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ के लिए आप जो पैर हवा में है उसमें वेट भी बांध सकते हैं, उससे और ज़्यादा अच्छा एक्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा आपकी VMO मसल्स के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं पैर में कितना फोर्स लग रहा है, जिसे पैर का कंपन भी पेशेंट को देखने को मिल रहा है। तो VMO को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, इसे भी आप दिन में 2 बार 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। दोस्तों हमारी अगली एक्सरसाइज के अंदर हमें बस किसी बेड पर या फिर ऊंची कुर्सी के ऊपर बैठ जाना है और पैर को हवा में रखना है। पैर पे आप वेट बांध सकते हैं जिससे कि आपको अच्छी स्ट्रेंथ मिले और पैर को बस 10 डिग्री नीचे की तरफ बेंड करना है और वापस ऊपर की तरफ खींचकर 5 सेकंड होल्ड करना है। ऐसा करने से आपकी इनर थाई VMO मसल स्ट्रेंथ होती है, बहुत ही अच्छा मेथड है आपकी VMO मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 रिपीटेशन कर सकते हैं और दिन में 2 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको अपने पैर को सिर्फ 10 डिग्री बेंड करना है और वापस ऊपर की तरफ लेकर जाना है। वेट आप अपने अकॉर्डिंग ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं, धीरे धीरे जब आपकी मसल स्ट्रेंथ बनेगी उसके अकॉर्डिंग आप वेट ऐड कर सकते हैं।
दोस्तों हमारी आखिरी एक्सरसाइज के लिए आपको दीवार के सहारे बिल्कुल खड़े हो जाना है और अपने घुटनों के और दीवार के बीच में किसी बॉल को या फिर पिलो को रख लेना है और फिर आपको हल्का सा नी को बेंड करना है और पीछे की तरफ पूरा प्रेस करना है आपके इस बॉल को पिलो को, जिससे कि आपकी VMO मसल स्ट्रांग होती है। बाकी सभी एक्सरसाइज के अंदर सबसे स्ट्रांग VMO एक्टिवेशन देती है हमारी ये वाली एक्सरसाइज। तो ये सभी एक्सरसाइज करके आप अपनी पोस्ट सर्जरी जो पैर की वीकनेस है, पैर की स्ट्रेंथ है, उसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको बार बार नी की इंजरीज होती है, पटेला की बार बार आपके इश्यूज आते हैं, तो आप इन सभी VMO एक्सरसाइज करके आपके पटेला को भी स्ट्रांग कर सकते हैं, नी की स्ट्रेंथ को भी डेवलप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे हमें मोटिवेट करते रहिएगा और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।